सबसे पहले आपको यहाँ पे डोर को ऐसा ओपन कर लेना है। डोर को ओपन करने के बाद जो कपड़े हैं आपके, जैसा कपड़े जो हैं पैंट है या कुछ है, तो सबसे पहले आपको उसके अंदर से पैंट में देख लेना है कि कॉइन हो या कुछ ऐसे आलपिन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं चाबी की, वो सारी चीज़ें अगर हैं तो उसको निकाल के आपको इसके डाल देना है। क्योंकि अगर उसमें आपका कुछ अगर रहेगा, की हो गया या कॉइन हो गया, तो इधर आके फंस से आपकी गैसकेट फट भी सकती है। और इधर आपको क्लीन भी कर देना है वॉशिंग के बाद। डालने के बाद आपको यहाँ से ऐसे बंद कर देना है। जब भी आप बंद करेंगे तो ऐसा आवाज़ आएगी, इसका मतलब डोर आपका प्रॉपर बंद हो गया। और इधर से आपको ये ड्रॉयर को ओपन कर लेना है और डिटर्जेंट आपको यहाँ पे डाल देना है। इसमें दो चैम्बर हैं, मेन वॉश के लिए आपको इधर डालना है। प्री वॉश एक एडिशनल फंक्शन है, जैसे बच्चों के कपड़े हो गए, ज़्यादा सॉइल है उसके अंदर, तभी आपको प्री वॉश भी सिलेक्ट करना है। तो प्री वॉश का यहाँ पे जैसे ये आपका जो प्री वॉश है, जब भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तभी आपको डिटर्जेंट इधर भी डालना है और डिटर्जेंट आपको इधर भी डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको शॉर्पनर डाल देना है। शॉर्पनर में जैसे आपको इसमें जैसे कंफर्ट ये सारी चीज़ें आती हैं उसके लिए। और यहाँ से आप इसको प्रेस करके इसको निकाल के, कभी आपको क्लीन करना है तो आप कर सकते हैं। इसको आपको डाल के बंद कर देना है। वो पूरा भरा रहना है ये डिटर्जेंट? नहीं, डिटर्जेंट जैसे आपका फुल लोड है तो फुल लोड के हिसाब से आपको 50 ग्राम जो डिटर्जेंट इसके अंदर डाल देना है। 50 ग्राम जी डाल के आपको 50 ग्राम हो गया, या जैसे लोड है उसके हिसाब से, जैसे 1 स्पून 2 स्पून रहता है। तो जैसे मुझे कपड़े सारे डालने हैं, ठीक है मैम। जैसे फुल लोड है तो इतने डिटर्जेंट आप इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद आपको इस तरह से बंद कर देना। वन टाइम जैसे यहाँ से आप ऑन करेंगे, इसके अंदर लाइट आ गई। अभी लाइट के बाद आपका कौन सा प्रोग्राम यूज़ करना है, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर आना। हाँ ठीक, ये ऐसे करके सर सेट, जैसे वो आता रहेगा तो मैं उसी तरह। हाँ बस अभी जैसे यहाँ से हमने ऑन कर दिया तो ये लाइट्स चल गई। जैसा ये आपका जो दिख रहा है ये कॉटन का है, कॉटन और कॉटन प्लस में। जैसा जो हमारा कॉटन, यहाँ पे कॉटन जो रहता है, कॉटन का जो टेम्परेचर रहेगा वो 40 डिग्री रहेगा और RPM 1400 रहेगा इसका। लेकिन ये जो कॉटन के दूसरे कपड़े, कॉटन के ज़्यादा गंदे बड़े कपड़े हैं, तो उसमें वाटर का टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और जिसमें आपको ऐसा लाइनिंग दिख रही है उसमें क्या करेगा, AI मतलब आपको आइडेंटिफाई करेगा कि जो आपके कपड़े डाले हैं उस कपड़े को वॉश करने के लिए कितना टाइम चाहिए। जैसे इसमें आपका वॉश करेगा, रिंस करेगा और स्पिन करेगा, और इसका जो टाइम है वो लोड के ऊपर डिटेक्ट करके आपको शो कर देगा कितना टाइम लगेगा। बाकी कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग है जिसमें आपका टाइम फिक्स है। और जैसा ये कॉटन का, कॉटन के बड़े कपड़े, इसमें कॉटन के कम छोटे कपड़े हैं तो उसके लिए, कॉटन के ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो इसके लिए। बाकी आपका ये टोटल जो है मिक्स फैब्रिक है, इसमें क्या है आपका, जैसा इसमें जैसा आपने मिक्स फैब्रिक किया तो इसमें टोटल आपके कपड़े मिक्स रहेंगे, उसमें भी आपका वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री रहेगा और इसका RPM जो है 1000 रहेगा। और टाइम कितना लिया ये अभी तक? ये टाइम अभी, ये सिर्फ ये जो टाइम है ये आपका स्टीम साइकिल, इसमें आपको लोड के ऊपर टाइम बताया कितने कपड़े आपने डाले हैं उसके बाद। फिर इसके बाद मिक्स के एजी केयर है और साइलेंट वॉश है, और इन सब में टाइम जब भी आप इसमें सब में RPM का फर्क आपको देखे 40 डिग्री टेम्परेचर। इजी केयर और साइलेंट वॉश कब लगाया था? ये जैसे इजी केयर जैसे स्मूथ कपड़े हैं और आपका जैसा पॉलीमर के कपड़े हैं उस टाइप के कपड़े हैं तो उसके लिए यूज़ होते हैं। बाकी एलर्जी केयर है, बीमार आदमी, किसी के बीमार आदमी के कपड़े हैं उसके लिए। तो इसमें क्या है आपका RPM भी ज़्यादा है और ये टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इसमें आपका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। डिलेड एंड की मतलब ये दूसरी चीज़ है, इसको भी मैं आपको बता। और उसके बाद आपका ये वाला जो है बेबी केयर है, जैसे बच्चों के कपड़े हैं बहुत उसमें तो बीमार के रहते हैं, बच्चों के ज़्यादा बैक्टीरिया होती है उसके लिए रहते हैं, तो ये सारा स्टीम साइकिल होता है। जो नॉर्मल हल्के कपड़े होते हैं उसके लिए यहाँ पे आपका जैसे डेलिकेट्स है, ये पार्टी वेयर के कपड़े, तो इसका जो टाइम आपको दिख रहा है 45 मिनट एक कंप्लीट साइकिल। इसमें वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा चूँकि वो कपड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, और RPM आपका 400 रहेगा। और ये आपका उलन कपड़े हैं, ठंडी हुए कपड़े, उसमें आपका वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री रहेगा और RPM आपका 800 रहेगा। ये स्पोर्ट्स के कपड़े के लिए 53 मिनट, इसमें आपका टाइम शो नहीं होगा लेकिन इसमें सब में आपका टाइम जो रहेगा वो शो करेगा। 52 मिनट है, वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री है और 800 RPM है। क्विक वॉश अगर कम कपड़े हैं आपके, 4 से 6 कपड़े और जल्दी चाहिए तो उसके लिए है 30 मिनट में। बाकी आपका डुएट है, बड़े कपड़े हैं, इसमें कपड़े आपके कम रहेंगे, 2 किलो तक के कपड़े आपको धुलना है, बेड शीट, चादर, पिलो, बड़े कपड़े उसके लिए।
और ये नीचे का आपका है टप क्लीन। जब भी आपने वॉशिंग कर लिया तो आपके एक महीने डेढ़ महीने में आपको टप क्लीन साइकिल यूज़ कर लेने, समथिंग दो घंटे का टाइम आपका लेगा। और कपड़े नहीं रहेंगे, सिर्फ आपको डिस्केलिंग पाउडर डाल देना है, डिटर्जेंट डाल के खाली चला देना है, और सिर्फ कपड़े को आपको सुखाना, खंगालना और सुखाना है। कितने दिन के बाद ये एक महीने के अंदर करना है आपको। और ये टप क्लीन और ये डाउनलोड साइकिल है, जिसमें आप आपको इधर आपको डिस्केलिंग पाउडर आता है वो डाल के मशीन को खाली चला देना है, क्योंकि कपड़े की जो गंदगी होती है इनसाइड ड्रम में कहीं ना कहीं लगी होती है। तो आपको एक महीने में आप जो एक महीने में आप अगर यूज़ करोगे तो कपड़े जो हैं आपके अच्छे साफ होंगे और कभी कपड़े में स्पॉट्स नहीं आएगा। बाकी ये तो आपका प्रोग्राम पानी चलता रहेगा ना। हाँ वो मैं बता, बाकी जैसा अभी ये हो गया, अभी इसके साथ इसमें कुछ एडिशनल फंक्शन भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। जैसा इसमें आपका इंटेंसिव है, रिंस प्लस है, प्री वॉश है, डिले है और एड आइटम है। अभी इसका क्या रहता है, जैसे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, जैसे पहले भिगा के रखना है, तो उसके लिए आपका इंटेंसिव होता है। जब ये एक्टिवेट करोगे तो टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, नहीं चाहिए तो ठीक है। अगर एक दो बार खंगाला मशीन में खंगालते हैं फिर भी कपड़े के अंदर डिटर्जेंट लग के आ रहे हैं, तो यहाँ से आप ऐसा प्रेस करोगे तो आपका रिंस प्लस है, तो जो दो बार रिंस होगा वो तीन बार होने लगेगा। और ये प्री वॉश है, जब भी आपको प्री वॉश यूज़ करना है, जब भी कपड़े के अंदर ज़्यादा गंदगी है और बच्चे के कपड़े हैं, आपको लगता है प्री वॉश में क्या होगा कि डिटर्जेंट इधर भी डालना है और आपको इधर भी डालना है। और इसके बाद आपका ये जो रहता है डिले एंड, अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो आप उतने टाइम के लिए वॉशिंग मशीन को डिले कर सकते हैं। और ये ऐड आइटम का जो मतलब डिले, वाईफाई क्यों लिखा हुआ, वाईफाई का क्या होता है, जैसे ये मशीन के अंदर जो आप में वाईफाई का भी प्रोग्राम है, वाईफाई से क्या होगा, जैसे इस मशीन में वाईफाई आप ऐसे तीन सेकंड आप ऐसा प्रेस करोगे तो आपका ये वाला वाईफाई ऑन हो जाएगा। इसको आप फ़ोन से कनेक्ट करके आप इसका जो एक्सेस है आप अपने फ़ोन से इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, ऑन करके स्टार्ट करके, प्रोग्राम कौन सा चाहिए वो सारी चीज़ें आप अपने मतलब फोन से। हम बाहर चले गए और यहाँ घर में वाईफाई ऑन है, आप ये करिए वाईफाई लगा हुआ है हमारा, तो अभी इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट करके आप फोन पे, फोन से हम बाहर से भी ऑफ कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हो, बट यहाँ से आपको रिमोट स्टार्ट ऑन करना पड़ेगा। जैसा अभी यहाँ पे जैसा आपका वाईफाई एक्टिवेट हो गया, अभी ये ऐड आइटम एक दूसरा फंक्शन है। जैसे कपड़े आपको लगा कि आपने मशीन स्टार्ट कर दे, यहाँ से लॉक हो गया, लॉक होने के बाद आप पहले क्या था कि कपड़े भूल गए तो फिर खोल नहीं पाते थे, इसमें क्या है कि जैसे आपने स्टार्ट कर दिया और आपको जैसे हमने यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, जब तक ये लाइट जलेगी ठीक है तब तक हम डोर इसका ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने स्टार्ट कर दिया तो डोर हमारा बंद हो गया और हमें लगता है कि हम इसमें कपड़े भूल गए हैं, तो जैसे हम यहाँ से ऐड आइटम की बटन दबा प्रेस करेंगे तो हमारा डोर सडनली ओपन हो जाएगा और कपड़े हमारे जो भूले हुए हैं हम ऐड कर सकते हैं। और दूसरा जैसा वाईफाई हो गया, तो वाईफाई जैसे हम फ़ोन से कनेक्ट करेंगे, ये जब तक पानी नहीं पड़ा तभी ऐड आइटम काम करेगा, हाँ तभी करेगा। और उसके बाद जैसे रिमोट स्टार्ट का जो फंक्शन है, जैसे हमने वाईफाई हमारा फ़ोन से कनेक्ट हो गया तो वो पूछेगा कि रिमोट स्टार्ट मोड आपको ऑन करना है, इस बटन को जैसे कुछ सेकंड करेंगे तो जैसे रिमोट स्टार्ट मोड ऑन होगा इसका जो एक्सेस है आपके फ़ोन पे आ जाएगा और फ़ोन से इसको पूरा फंक्शन को आप अपने हिसाब से फ़ोन पे उसका एक्सेस दे दीजिएगा। हाँ। मान लीजिए कि हम लोग कहीं जल करके हमें जाना है और वहाँ से हमें लग रहा है कहीं फ़ोन खुली तो नहीं रह गई या बंद हो गया कुछ, वहाँ से भी आप उसको बंद कर सकते हैं। अच्छा ये जरा करके दिखा दीजिए, ठीक है ये आपका ये क्लियर हो गया ना सर। और अभी जैसे ये चीज़ें हो गई, इसके बाद आपका ये जो बजर इसमें बज रहा है उसको ऑफ करना है, तीसरी बटन को कंटिन्यू तीन सेकंड प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा रिंस वाला। हाँ ये आपका रिंस प्लस प्री वॉश का। और जैसे ये आपका कॉटन का है, कॉटन में वाटर का टेम्परेचर आपका 40 degrees है या 60 degrees, इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना भी है, बाई डिफ़ॉल्ट तो सेट है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप इसको 20 degrees और स्पिन का जो है नो स्पिन भी है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना हमारा बिजली का कंजप्शन भी बढ़ेगा, उसी हिसाब से इसका टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी को गर्म करने के लिए नॉर्मली 20 degrees बेस्ट है। और जैसे ये 400 है, 800 है, 1000 है, 1200 है और 1400, ये अलग अलग मोड के अलग अलग हिसाब से, जैसे आपका नॉर्मल आपका डेलीकेट्स या हैंड ये सब है तो आपका 800 RPM है, कॉटन के लिए आपका जो है 1200 से 1400 RPM रहता है। और बाकी जैसे जब आपका यहाँ से आप जैसे मशीन को भी हम लोग यहाँ से एक बार बाकी जो कपड़े हैं डाल दे रहे हैं, इसमें डालने हैं कपड़े तो अभी आपको यहाँ पे ऐड वाली बटन को सर पहले आएगा
सब भेज रहे हैं वीडियो ना हमको, आप भेज रहे हैं।